दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन द वर्ल्ड। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है इंटरनेट। और मैं जानता हूँ आजकल इंटरनेट की इतनी ज़रूरत है। मान लो कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई ब्लॉगर है मेरे जैसा, तो कोई गेमर है, कोई कंटेंट क्रिएट करता है जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, कोई अवेयरनेस फैलाता है, तो हर एक यूज़र के लिए, हर एक के लिए इंटरनेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कौन सा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है और फाइबर में और नॉर्मल वाईफाई कनेक्शन में डिफरेंस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली समझाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। और अगर आप हमारे इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और साथ ही साथ लाइक बटन पर भी क्लिक कीजिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग तो इंटरनेट यानी वाईफाई ढूंढ रहे होंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। वाईफाई क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इंटरनेट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आता है एक्टिव फाइबर। तो एक्टिव फाइबर के बाद बहुत सारे प्लान्स हैं, तो इनको भी मैंने चुना था। इनका प्लान आ जाके कम से कम इंक्लूडिंग GST आपको 590 रुपये में मिलेगा, यानी 590 रुपीस में, जिससे कि आपको 1 TB का डेटा मिलेगा, यानी 1000 GB का डेटा मिलेगा। मान लो 1000 1012 GB भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो 1000 GB का डेटा आपको मिलने वाला है। तो कि जो कि ये जो है आपको, इसमें आपको सिर्फ लिमिटेड डेटा मिलने वाला है। यानी मान लीजिए मैंने ऑलरेडी इनका कनेक्शन यूज़ किया है, तो मुझे इंटरनेट जो है उतना अप टू द मार्क नहीं मिला है। मान लो वो इक्वल अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड मुझे देखने को नहीं मिला है। तो मैंने एक्टिव फाइबर के साथ साथ भी हैथवे और एयरटेल का भी इस्तेमाल किया है। हैथवे में हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा कॉपर कनेक्शन। जी हाँ, कॉपर कनेक्शन, यानी ये बहुत ही सस्ता होता है और कंपनी के लिए भी बहुत ही सस्ता पड़ता है। मान लो ये कॉपर कनेक्शन ऐसा होता है, आपको कैसे समझाऊँ, जब मान लो एक 10 साल पीछे हमारे पास एक केबल टीवी हुआ करता था, यानी आज हमें तो डिश टीवी मिलने को मिलता है, लेकिन तब हमें केबल मिला होता है, तो केबल हम लगाते हैं टीवी के पीछे जिससे कि हम देख पाए। तो हमें कॉपर कनेक्शन मिलता है, यानी जिसमें हमें डाउनलोड स्पीड तो प्रॉपरली मिल जाती है, कभी कभी ज़्यादा मिलती है डाउनलोड स्पीड, कभी कभी कम, लेकिन अपलोड स्पीड नहीं मिल पाती है, जिससे कि स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो कि आप जो पे कर रहे हो उसके बराबर का नहीं है। और हाथवे में भी मुझे फाइबर का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। और एयरटेल, बात करते हैं एयरटेल से, इनसे मेरा बहुत ही बुरा वाला झगड़ा हुआ था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये लोगों ने मुझे फाइबर बताया था, लेकिन ये लोगों ने भी मान लो कॉपर कनेक्शन ही मुझे इंस्टॉल करके गए थे। इसमें मुझे भी दिक्कत ये हुआ था कि मुझे सिर्फ कॉपर कनेक्शन ही देखने को मिला था, जिसमें मुझे डाउनलोड स्पीड तो सही मिल जाती थी कभी कभी। मान लो मैं 40 MBPS वाला प्लान में था, जिससे मुझे कभी कभी 40-50 MBPS भी डाउनलोड स्पीड मिलता था, लेकिन अपलोड स्पीड मिल नहीं पाता था। और कॉपर कनेक्शन से दिक्कत ये है, आपको इंटरनेट से भी बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, काम में ले लो, हर चीज़ में ले लो। लेकिन जब से मैंने जियो फाइबर लगवाया है, तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मान लो अगर कोई दिक्कत होती भी है, तो इनका सपोर्ट है, उस पर हम कांटेक्ट करेंगे तो जल्द से जल्द कोई ना कोई इंजीनियर को भिजा देंगे, और ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं आती इंटरनेट स्पीड्स को लेके। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैं रेफरल प्लान में हूँ, जिससे कि मैंने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया था जियो फाइबर में एनरोल होने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी जियो फाइबर लगवा लिया है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मुझे रेफरल से भी आपको 150 GB का डेटा जियो की ओर से मिलने को देखने को मिलता है। तो मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा लाइव में मुझे कितना इंटरनेट स्पीड मिल रहा है, ओके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने अभी स्पीड टेस्ट उकला का वेबसाइट खोला है, तो मैं आपके आगे इसकी स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये रहा, अब देख पा रहे होंगे
150 Mbps का जो मैं प्लान में हूँ उसके बराबर का मुझे डाउनलोड स्पीड मिल रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ अपलोड स्पीड भी दिखाऊंगा आपको, ये बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब कभी भी आप फाइबर कनेक्शन लेते हो तो, वाईफाई कनेक्शन लेते हो तो। देख पा रहे होंगे आप अपलोड स्पीड मुझे करीबन 150 Mbps तक आएगा, आप देख पा रहे होंगे 150 Mbps का मुझे अपलोड स्पीड भी मिल रहा है जियो फाइबर की ओर से। तो ऑफकोर्स ये मुझे तो ऑफकोर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि इन्होंने जो है अपने प्रॉमिस पे खड़े रखे हैं और साथ ही साथ हमें अपलोड और डाउनलोड भी बराबर का मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप किसी भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर से आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ रिलायबल इंटरनेट स्पीड और अच्छी इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल इसके साथ जाइएगा, यू मस्ट हैव टू ट्राई। अगर आप 1 मंथ यूज़ करते हैं और 30 डेज के अंदर अंदर आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके आप ये कहते हैं कि मुझे अपना कनेक्शन को सरेंडर करना है, मुझे वापस देना है, तो वो लोग आपसे आपके लिए रिफंड रिक्वेस्ट राइज करेंगे। आपको याद रखिए आपको 30 दिन के अंदर आपको बोलना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बताएंगे तो आपको रिफंड जो है 1500 का आपको मिल जाएगा अगर आपको पसंद नहीं आता तो। लेकिन आप इसे आप सरेंडर करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी सर्विस इतनी अच्छी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे इनका बॉक्स, जिस बॉक्स में हमें ये फाइबर कनेक्शन देखने को मिला था, ठीक है, ये बॉक्स हमें आता है, आप देख पा रहे होंगे लाइफ इज ग्रोथ। क्योंकि मैं बेसिकली बहुत ही सपोर्ट करता हूँ इस ब्रांड को, क्योंकि आई लव दिस ब्रांड। द रीज़न इज़ दैट ये लोगों ने बहुत ही सस्ते दामों में हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया था देश पूरे में। तो आज डिजिटलाइजेशन हुआ है हिंदुस्तान का और हमारे देश का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं हैट्स ऑफ टू अंबानी जी फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू आर इंडियंस, एंड थैंक यू फॉर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए इतना सब कुछ किया। एंड बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है और मैं हर बार इन्हें आई ऑलवेज सपोर्ट देम। मैं इन्हें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमें रिलायबल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, बजट कॉस्ट में हमें प्रोवाइड किया है। इसमें मुझे ज़्यादातर ये नहीं लगेगा दोस्तों, हमें 30 Mbps का प्लान मिलता है जिसे हमें इंक्लूडिंग GST के साथ 470 रुपये बनेगा, 471 रुपीज़ रहेगा, जिससे कि आपको 30 Mbps का स्पीड मिलेगा और 3000 GB तक का आपको डेटा मिलेगा, यानी अनलिमिटेड है। आप कितना भी ट्राई कर ले वो ख़त्म नहीं होता है, आप मान लो अनलिमिटेड है एंड यू कैन यूज़ इट बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। मान लो अगर आप एक्टिव फाइबर में होते हो तो, और आपको वहाँ पर आपको काउंट करना पड़ता है, डर होता है कहीं कहीं डेटा ना ख़त्म हो जाए, फिर से मैं डेटा बूस्टर लूँ, ये लूँ, वो लूँ, इट इज़ कॉस्टिंग हाई। बस आपको 40 Mbps मिलेगा और 1 TB का डेटा मिलेगा, 590 रुपये लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 470 रुपीस में 30 Mbps का स्पीड मिलता है, जिससे कि आपको अपलोड और डाउनलोड सेम रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा बिना किसी झंझट के। तो हमें इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये रहा बॉक्स। इनकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी होती है, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के यूज़ किए हैं, उनके उनका ब्रांड का नाम तक नहीं रहता है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी की है। तो हमें इसके अंदर ये देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें बॉक्स और ये रहा ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ये आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप बहुत ही ओल्ड हो तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, नए वाले लैपटॉप्स में भी आपको ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, इससे आप फाइबर को कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको और भी अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ कुछ तो हम टीवी पे अब स्पीड टेस्ट रन करने वाला है, आपको विजिबल होगा फुल स्क्रीन, ब्राइटनेस के कारण आपको विजिबल ना हो सके, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको स्पीड टेस्ट दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पर speedtest.ookla में गया हूँ मैं, ओके, आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने टीवी से कनेक्ट किया है और मेरा टीवी जो है एंड्रॉयड टीवी नहीं है गाइस, मेरा टीवी सिर्फ नॉर्मल फुल HD टीवी है जो कि माइक्रोमैक्स का है। तो इस टीवी को मैंने एंड्रॉयड में ऐसे किया क्योंकि मैंने एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स को लिया था जो कि मुझे पड़ा था करीबन 2500 रुपये, जिससे मैं
कोई भी टीवी को आप एंड्रॉइड टीवी कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अगर उसके बारे में आपको क्वेश्चन से आपके नॉर्मल टीवी को आप कैसे एंड्रॉइड टीवी में तब्दील करें या बदलाएं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन पे रिक्वेस्ट डालिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपके आगे स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। इधर हमें स्टार हब देखने को मिल रहा है और आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने यहाँ पे अपने, ये रहा हमारा बॉक्स जो कि जियो की तरफ से आता है, तो आप देख पा रहे होंगे गाइस ये कितना स्पीड मिल रहा है, 790 टीवी पे, 8 इतना ज़्यादा स्पीड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है जियो फाइबर की ओर से। तो बिना किसी सोच के आप इस कनेक्शन को आप लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और लेट्स सपोर्ट देम वाई बिकॉज इन्होंने मार्केट को डिसरप्ट किया है इकोनॉमिकल कॉस्ट में इंटरनेट प्रोवाइड करके। तो बिना किसी देरी के यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल गाइस, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इनकी सर्विस भी बहुत ही अच्छी रहेगी। और तो होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपको बहुत सारे डाउट्स जो रहेंगे इंटरनेट के रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको सवाल देने के लिए जल्द से जल्द ट्राई करूँगा। और बिल्कुल अगर आप ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मानते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बिल्कुल आपकी डाउट्स जो भी होंगे हम क्लियर करेंगे।